सारा व्यवस्था पहले से किया हुआ है, हमारा किया हुआ कोई व्यवस्था नहीं है। तो सब हुकूमत से 200 सालों से 250 सालों से व्यवस्था हम इधर एक महीना से आ गए हैं। आगे की प्लानिंग होती है, सब सारा प्लानिंग होता है। पुराने जो केसेस होते हैं, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होते हैं। मंथ में जो भी अपराध अपराधी घटनाएं होती हैं, जो भी केसेस होते हैं, उस पर डिस्कशन होते हैं, सारा हुआ है। और पुलिस क्राइम मीटिंग के बाद पुलिस सभा अभी की गई, तो आपको बता दें इसमें पुलिस विभाग के सभी जवान और सारे पदाधिकारी, सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सभी रिप्रेजेंट करते हैं पुलिस सभा को। और पुलिस सभा में कॉमन प्रॉब्लम जो सभी को हो, इस तरह का कॉमन प्रॉब्लम लाया जाता है। हर एक संवर्ग से लोग अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं, जिसका निराकरण पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किया जाता है या कराया जाता है। और इसके बाद तीसरे सेशन में एक हमारे अब्दुल बहाव खान जो छपरा रेल में थे, उनकी रिटायरमेंट हुई है इसी 31 मार्च को, जिन्हें हम लोग सामूहिक रूप से फेयरवेल कार्यक्रम की ऑनलाइन तैयारी उसकी हो रही थी। और सर लोकसभा चुनाव को लेकर के आपके रेलवे पुलिस द्वारा, हाँ लोकसभा चुनाव के लिए उसमें निर्देश दिया गया है सबको, और सारा विमर्श किया गया है। निर्देश ये दिया गया है कि सेक्शन वाइज रेल में हम चेक करें, क्योंकि रेल में कोई पॉइंट तो है नहीं, और अगर पॉइंट है भी थाना, तो ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ 5 मिनट 2 मिनट इस तरह से है, तो बहुत ज़्यादा सर्च नहीं हो पाता है। तो हमने निर्देश दिया है कि थाना अध्यक्ष के साथ एक सेक्शन, जैसे रक्सौल से नरकटियागंज तक एक ट्रेन जा रही है, एक सेक्शन हो गया, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर बरौनी तक जा रही है, तो एक सेक्शन हो गया। तो इस सेक्शन में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में फोर्स जो है एक ट्रेन को एक सेक्शन में सर्च करेगी, एक दूरी तक सर्च करेगी, तो इसमें संभावना अवैध अभ्यास, अवैध पैसे, शराब वगैरह की रिकवरी की संभावना बढ़ेगी। ऐसे प्रतिदिन शराब की रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छी मात्रा में रिकवरी हो रही है, और काफ़ी अपराधी पकड़े जा रहे हैं। रेल में छोटे छोटे अपराधी होते हैं,
बीमारी और चलती गाड़ी में मोबाइल दे लेना, चुरा लेना, इस तरह के जो लोग होते हैं वो काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस महीने में लगभग 170 गिरफ्तारियाँ के साथ हम लोगों के द्वारा की गई हैं और रेलवे एक्ट में भी लगभग 60 गिरफ्तारियाँ, तो कुल मिला के 225 गिरफ्तारियाँ इस महीने की गई हैं। और चरस 7 किलो बरामद हुआ है, भारी मात्रा में शराब की रिकवरी हुई है, आर्म्स भी हाजीपुर में रक्सौल में दो जगह आर्म्स की रिकवरी हुई है। और इस तरह से प्रतिदिन कुछ कुछ गिरफ्तारियाँ लोग कर रहे हैं और सभी थाना अध्यक्ष पूरी तन्मयता से काम अपना कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।